हेलो, मैं अंजलि गोठाने, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे उपवास का ढोकला। तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, देखते हैं। मैंने एक कटोरी भगर लिया है, इसे व्रत के चावल भी बोलते हैं और वरी मराठी में वरी तांदूळ। और एक कटोरी दही लिया है, अदरक एक छोटा सा टुकड़ा लेना है, अदरक का आधा इंच का। एक छोटी मिर्ची लेनी है ताकि हमारा ढोकला है जो तीखा ना हो। और जीरा है एक इंच का टुकड़ा, फ्रेश कोकोनट है और नमक है। सबसे पहले हम जीरा, मिर्ची, अदरक और फ्रेश कोकोनट पहले पीस लेते हैं मिक्सी में। इस तरह अब इसमें भगर, एक कटोरी भगर मैंने लिया है, और उसमें डालेंगे फ्रेश दही। स्वादानुसार नमक आप डाल दीजिए। इस तरह हमारा बैटर हो जाएगा। अभी इसे हम 20 से 25 मिनट ऐसे ही रख देते हैं। इस तरह हमारा बैटर हो जाएगा, थोड़ा थिक हो जाएगा। अभी हम इसमें खाने का सोडा डालेंगे आधा चम्मच, और एक बार फिर से मिक्सी में इसे घुमा देंगे, निकाल लेते हैं। एक बार घुमाया, अभी हम देखो कितना अच्छे से फर्मेंट हो गया है। और ऊपर से मैं थोड़ा मिर्ची पाउडर, ताकि हमारा ढोकला दिखने में भी अच्छा दिखे। और इसे हम प्रेशर कुकर में डाल देते हैं। मैंने कुकर में पहले से 5 मिनट पहले पानी रखा था, पानी हमारा गरम होना चाहिए। और विसल मैंने निकाल दी है, और इसे हम 10 मिनट रखेंगे। अभी हम इसे खोल देते हैं। 10 मिनट रखा था और 5 मिनट इसे भी ठंडा होने दिया। वाव, मस्त, देखिए एकदम क्लीन हो गया है, अच्छे से हो गया। अभी इसे ठंडा होने देते हैं। अभी हम इसका तड़का बनाते हैं। तड़के के लिए जीरा, मिर्ची और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता बस हम इसमें डाल देते हैं। और ये कोकोनट की चटनी मैंने बना के रखी है, इस पे भी थोड़ा तड़का डाल देती हूँ। अभी मैं इसके अच्छे से ठंडा हो गया है। अभी ये बहुत अच्छा हो जाता है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी हो जाता है।
मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा। थैंक यू।